पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर अब सरकार का एक्शन, ₹5.49 करोड़ का लगा जुर्माना, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर सरकार की ओर से पहली बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल वित्त मंत्रालय की वित्तीय खुफिया इकाई भारत FIUIND ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पहले से ही केंद्रीय रिजर्व बैंक की पाबंदियां झेल रहा है। क्या है नया मामला? शुक्रवार को एक बयान में वित्त मंत्रालय ने कहा कि FIUIND ने कुछ अहम जानकारी के आधार पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की। FIU को केंद्रीय जांच एजेंसी ED से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ऑनलाइन गैम्बलिंग को ऑर्गेनाइज करने के अलावा सर्विस प्रोवाइड करने सहित कई अवैध काम में लिप्त कुछ संस्थाओं ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से ट्रांजैक्शन किए हैं। इसके बाद FIU ने जांच के आधार पर समीक्षा शुरू की और अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। क्या कहा बैंक ने? इस जुर्माने को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने कहा, यह जुर्माना एक बिजनेस सेगमेंट के मामले से संबंधित है जिसे 2 साल पहले बंद कर दिया गया था। इसके बाद हमने अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को मजबूत बनाया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ समझौते खत्म। इस बीच पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के निदेशक मंडल ने सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर RBI की कार्रवाई के बीच दोनों के बीच अंतर कंपनी समझौतों को खत्म करने को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को 197 कम्युनिकेशंस ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों कंपनियों के बीच एक दूसरे पर निर्भरता कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने 1 मार्च 2024 को इन समझौतों को समाप्त करने और शेयरधारक समझौतों में संशोधन को मंजूरी दी। पेटीएम ने पहले घोषणा की थी कि वह अन्य बैंकों के साथ नई साझेदारी पर हस्ताक्षर करेगी और अपने ग्राहकों एवं कारोबारियों को निर्बाध सेवाएं देने के लिए कदम उठाएगी। RBI की कार्रवाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक नियमों का अनुपालन न करने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक RBI की सख्ती का सामना कर रहा है। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च के बाद ग्राहक खातों, वॉलेट, फास्टैग और अन्य साधनों में नई जमा या टॉप अप स्वीकार करने से रोक दिया है। हालांकि पेटीएम ऐप, पेटीएम QR, पेटीएम साउंड बॉक्स और पेटीएम कार्ड मशीनें निर्बाध रूप से काम करती रहेंगी। विजय शेखर शर्मा का इस्तीफा। पिछले महीने के अंत में पेटीएम के संस्थापक और CEO विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य के रूप में पद छोड़ दिया था। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक के भविष्य के कारोबार का नेतृत्व नया बोर्ड करेगा।